हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीशा आपका स्वागत करती हूँ अनीशा ब्लॉग्स में। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम कोई फूड वीडियो नहीं बनाएंगे, आज हम कोई चैलेंज करेंगे जिसमें हम पूरे दिन रोटी खाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, वो क्या नाम हो गया है, तो इसीलिए हम जिसमें हम पूरे दिन डिनर ब्रेकफास्ट ये सब मतलब एक ही उससे खाएंगे, रोटी रोटी सिर्फ। तो गाइस, मेरे को लेट हो गया, मैं कहीं गई थी। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ। मेरे को तो लगता है मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो जाएगा। रोटी सही करेंगे, इसका हम अभी बना लेंगे, इसके बाद दिखाते हैं। ओके गाइस, मैंने बना लिया, ये देखिएगा इसके अंदर हमने ये रोटी है, सब्जी, तो ये चटनी मैंने थोड़ी सी हरी वाली रख ली है। चलेगा, मैं आपको खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। गाइस ये देखिए, देखा आपने, मैंने बना लिया है। तो चलिए अब मैं खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। थोड़ी सी चटनी मस्त है गाइस। गाइस आप भी बना के देखना, इसके अंदर हमने सब्जी थी वो डाल दी थी, बहुत टेस्टी लग रहा है गाइस। मैं खा लेती हूँ, मेरे को लगता है मेरे को अब जब भूख लगेगी जब मैं मतलब आऊँगी खाऊंगी कुछ। अभी तो 1:30 बज गए तो मुझे यही बनाने में लग गया, उसके बाद अब जब भूख लगेगी उसके बाद मिलते हैं गाइस। बाय गाइस, अब मैं खा रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं। हाय गाइस, मैं आ गई फिर से। अब हो रहा है स्नैक टाइम, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और लगी है मुझे जोर से भूख। तो चलिए रोटी का कुछ बनाते हैं और मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए बनाने के लिए मैंने ये 2 चम्मच बेसन ले लिया है, ऐसे इतना 2 चम्मच, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेते हैं, ठीक है, इसके बाद मिलते हैं। इसमें हम डाल देंगे, ये फेंट लिया हमने, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, इसके बाद नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। और गाइस इसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अपने लिए बना रही हूँ तो मैं हरी मिर्च डालूँगी, लाल मिर्च नहीं डालूँगी। चलिए इसको मिला लेते हैं। और गाइस अभी इसको मिला के लिया है, अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। और गाइस ये मिला लेंगे, इसमें हमने धनिया पत्ती भी डाल लिया, इसको मिक्स कर लिया है। हाँ, हमने देखे ये बची हुई रोटी लिया है, इस पर हम लोग लेंगे ऐसे ऐसे लगा लेंगे। गर्म होने के लिए रख दिया था, इस पर ऑयल डाल दिया, अब इसको हम ऐसे डाल देंगे ऐसे, उसके बाद इसको सेक देंगे और इसके बाद इसको पकने देते हैं, ऊपर भी लगा देंगे। गाइस अभी फ्लेम को मीडियम कर रखा है, गाइस ये इधर लग गया क्योंकि मैं पलट रही थी तो गलती से हो गया। अब इसको लगा दिया है हमने, अब इसको पकने देते हैं। ओके गाइस, अब इसके चारों तरफ हम ऑयल लगा देंगे, चारों तरफ ऑयल लगा देंगे। अब ये पक रहा है गाइस, ये सब पकने देते हैं। गाइस ये देखिए बनके तैयार हो गया है। और चलिए गाइस अब मैं खाती हूँ अपना स्नैक, अब मैं खाती हूँ, उसके बाद अब डिनर के टाइम मिलती हूँ। चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। गाइस बहुत टेस्टी लग रहा है, जैसा ब्रेड पकौड़े की तरह। चले गाइस मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। बाय गाइस, डिनर के टाइम। गाइस अब है डिनर की बारी, तो डिनर में मैं बनाऊँगी रोटी नूडल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हो गए हैं 10 बज रहे हैं गाइस, तो अब मैं बनाती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। हमारी रोटी जिसको हमने काट लिया, ये मेरे से ठीक से कटी नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलिए मेरा देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। और चले गाइस मैं आपको देख के खा के बताती हूँ कैसा बना है।
अरे बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं खा लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। बाय गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।